इतना आसान सा टॉपिक भी देखने आ गए। खैर कोई बात नहीं, अब आए हो तो कुछ ही मिनटों में आपको पदबंध ट्रिक से ऐसा सिखा देंगे कि लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। पदबंध, ये पद क्या होता है? दरअसल शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन फिर भी शब्द और पद में अंतर होता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक शब्द है किताब। अब इसी शब्द को एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, सुजीत किताब पढ़ेगा। यहां आपको किताब दो बार दिख रहा है, एक बार स्वतंत्र रूप में और एक बार वाक्य में। जो स्वतंत्र रूप में किताब लिखा है वह शब्द कहलाएगा, और जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए वह कहलाएगा पद। तो इस वाक्य में सुजीत किताब और पढ़ेगा, ये तीन पद है। आपको पद तो समझ में आ गया। अब पदबंध, पदों को बांधना ही पदबंध है। परिभाषा की बात करें तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है वह पदबंध होता है। यानी दो या दो से अधिक पद जो एक ही कैटेगरी के लिए होते हैं उनका इकट्ठा रूप ही पदबंध है। आपको परिभाषा से तो थोड़ा कम ही समझ में आया होगा, आसान भाषा में समझो। एग्जाम में आपको एक वाक्य मिलेगा जिसमें कुछ शब्द अंडरलाइन होंगे, जिसको देखकर आपको बताना होगा कि ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये कौन सा पदबंध है। सर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदबंध है? डोंट वरी, आपको इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिसको समझ के आप देखते ही आंसर बता दोगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न, इस वाक्य में कितने पद हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। देखो, पदबंध के पांच भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब पदबंध को सीखने के लिए आपको इन पांच टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दरअसल अव्यय का ही एक पार्ट है। इन पांच टॉपिक्स की अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो बहुत अच्छे से आप पदबंध सीख जाओगे। लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज भी आपको नहीं है तो फिर आपको पदबंध सीखने में थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन चिंता मत करो, इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से समझने के लिए मिल जाएंगे, तो उस लिंक को जरूर क्लिक करना। अब ट्रिक समझो, एग्जाम में आपको एक वाक्य मिलेगा जिसमें कुछ शब्द अंडरलाइन होंगे, तो जितने भी वर्ड अंडरलाइन हैं उनमें से जो लास्ट वाला वर्ड अंडरलाइन होगा वो आपको देखना है। वो इन पांच में से जो भी है वही भेद उसका आंसर होगा। उदाहरण से समझाता हूं, बेचारा वह किसी से कुछ न कह पाया। अब इसमें आपको पदबंध का भेद बताना है तो आपको यह देखना है कि लास्ट वर्ड अंडरलाइन कौन सा है। लास्ट वर्ड है वह, और वह शब्द होता है सर्वनाम, तो यह हुआ सर्वनाम पदबंध। बस सिंपल है ना। इसी तरह से और देखो, माही को बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है? रही है, लास्ट वर्ड तो यही है ना, तो ये तो हुए क्रिया, तो इसीलिए ये क्रिया पदबंध होगा। वह पुरस्कार में मिली पुस्तक लेकर आया। अब इसमें लास्ट वर्ड है पुस्तक, पुस्तक तो संज्ञा होती है, इसीलिए इसका भेद संज्ञा पदबंध होगा। बच्चों, पद का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां देर से पहुंचती हैं। अब इसमें गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है कि वो तेज चलती हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, तो ये हुआ विशेषण पदबंध। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। युवक भर्ती के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, अब ये क्या है? क्रिया, तो भेद हुआ क्रिया पदबंध। एक दो और देखो, चुप रहने वाले पिताजी क्यों बड़बड़ा रहे हैं? लास्ट वर्ड है पिताजी, जो है संज्ञा, इसीलिए संज्ञा पदबंध। गंगा नदी कलकल करती हुई बह रही है, अब इसमें बह रही है क्रिया है और उससे पहले विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, इसीलिए यह हुआ क्रिया विशेषण पदबंध।
आपने अभी तक पद बंध के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। डोंट वरी, प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। कुछ इस तरह से यहां आपको ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही हिंदी व्याकरण के अदर टॉपिक्स भी आपको इसी लिंक में मिलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ समझाए गए हैं, वो जरूर सीख लेना अगर आपको जरूरत है तो। ये लिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस टॉपिक अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, इसमें आसमान में उड़ता गुब्बारा ये अंडरलाइन शब्द है, इसको देखते हुए आपको पदबंध बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए विशेषण पदबंध, बी क्रिया पदबंध, सी संज्ञा पदबंध और डी सर्वनाम पदबंध। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी संज्ञा पदबंध। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2, तेज हवा चलने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी का पदबंध बताना है। आपके ऑप्शन संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध और डी क्रिया पदबंध। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रिया पदबंध। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, अकलमंदी दिखाते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया, अब इसका पदबंध आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए विशेषण पदबंध, बी क्रिया पदबंध, सी संज्ञा पदबंध और डी सर्वनाम पदबंध। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है, बैठा हुआ तक अंडरलाइन है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए क्रिया पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध और डी संज्ञा पदबंध। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर ऑप्शन सी विशेषण पदबंध। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस लिंक को जरूर क्लिक करना क्योंकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लिंक को क्लिक करने के बाद। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।